हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको कुछ भी रिपेयर करके नहीं दिखाऊंगा, बट एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा ये वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो मान लो आप न्यू पीसीबी मार्केट से खरीद करके लेके आया और कुछ भी पिक्चर ट्यूब पर आप लगाया और लगाने के बाद जो दिखा जाता है कलर फॉल्ट है। ठीक है, जो सही कलर जो आना चाहिए वो कलर नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों, फर्स्ट तो आपको कॉन्फर्म होना चाहिए कि ये जो पीसीबी इस तरह जो पीसीबी मार्केट से लेके आया वो ओके है कि नहीं है। ठीक है, तो आपके पास पुराना पीसीबी है तो ये भी हो सकता है कि आपका पीसीबी ओके है और कलर ओके नहीं आता है। जो ओरिजिनल कलर होना चाहिए तो वो कलर नहीं है, तो वो प्रॉब्लम कैसे रिपेयर कर सकते हो ये वीडियो में आपको यही बताऊंगा। आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, न्यू टेक्नीशियन का अलग से नॉलेज मिल जाएगा। मेनली आपको जो बताना चाहता हूँ कि जो जिस पिक्चर ट्यूब का फॉल्ट है, ठीक है, कलर फॉल्ट, जिसका अंदर 8 GB तीनों मेन कलर होता है, कुछ भी एक कलर मिसिंग हो जाने के बाद वो डिसकलर पिक्चर आता है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है आपको ये वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मान लो एक न्यू पीसीबी लेके आया और ये पीसीबी ओके है, तो फर्स्ट आपको कंफर्म होना चाहिए पीसीबी ओके होना चाहिए। और ये पीसीबी एक बार पिक्चर ट्यूब पर लगा के देखा कि उसका सही कलर नहीं है, तो आप दूसरा पिक्चर ट्यूब पर भी लगा के देख सकते हो। जब आपको कंफर्म होगा कि पिक्चर ट्यूब का फॉल्ट है, तो पिक्चर ट्यूब फॉल्ट कैसे रिपेयर किया जाता है? तो फर्स्ट आपको मान लो ये पीसीबी ओके है और ये देखिए बिग नेक वाला बेस का ये बेस बोर्ड है, और आप बिग नेक वाला पिक्चर ट्यूब पर ये लगाया, लगाने के बाद उसका कुछ भी कलर फॉल्ट है, मान लो रेड कलर मिसिंग है, ग्रीन कलर मिसिंग है और ब्लू कलर, कुछ भी कलर मिसिंग हो सकता है। जब वो कलर मिसिंग होगा तो कैसे वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें? तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट ये पीसीबी को जिस तरह कनेक्शन होता है सब कुछ कनेक्शन कीजिए न्यू पीसीबी को। पुराना पीसीबी ओके होगा तो वो भी आप इस तरह सेम तरह आप टेस्ट कीजिए कि आपको कंफर्म होना चाहिए कि पिक्चर ट्यूब से जो कलर आना चाहिए, ओरिजिनल कलर आना चाहिए, वो कलर नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट आपको सब कुछ पिक्चर ट्यूब के अंदर कनेक्शन करने का बाद ये जो बेसबोर्ड होता है, बेसबोर्ड का ये जो नेगेटिव देखिए, बेसबोर्ड का ये जो नेगेटिव है, देखिए ये नेगेटिव के साथ मैं एक वायर कनेक्शन किया। अब देखिए ये जो वायर, इस तरह आपको एक छोटा सा वायर कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वायर इस तरह कनेक्शन करने का बाद क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों, इस तरह एक वायर कनेक्शन करने का बाद ये बेसबोर्ड आप पिक्चर ट्यूब पर लगाए, लगाने का बाद अब तीनों कैथोड पिन को एक एक बार टच कीजिए इस तरह। देखिए ये बिग नेक वाला बेस है, अब ध्यान दीजिए, तो इसका ये फर्स्ट पिन ओपन होगा और उसका बाद ये बी कैथोड का पिन होगा। ठीक है, ये बी कैथोड पिन जो होता है, यहाँ पर इस तरह एक छोटा सा वायर लेके, इस तरह छोटा सा वायर लेके कनेक्शन कीजिए निगेटिव पर। ठीक है, और ये जो बी कैथोड का पिन है, यहाँ पर अब इस तरह फ्लैशिंग कीजिए और टच कीजिए। ठीक है, इस तरह फ्लैशिंग कीजिए और टच कीजिए, और उसका साथ आप पिक्चर ट्यूब पर फॉलो कीजिए कि पिक्चर ट्यूब के अंदर पूरा स्क्रीन ब्लू कलर आना चाहिए, पूरा स्क्रीन ब्लू कलर आना चाहिए। जब ये बी कैथोड पिन पर टच करेगा तो जब ब्लू कलर आएगा तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि पिक्चर ट्यूब के अंदर ब्लू कलर है। हो सकता है कि आपका पिक्चर के साथ ब्लू कलर नहीं आ रहा है, तो इसका रीज़न भी आपको बताऊँगा। तो इसी तरह आप उसका बाद दो फिलामेंट पिन है, फिलामेंट पिन के बाद आर एक जो पिन है, ठीक है, ये आर कैथोड का पिन है, ये दो फिलामेंट पिन को छोड़ के आपको ये आर कैथोड पिन पर इस तरह फ्लैशिंग कीजिए और टच कीजिए। टच करने के बाद स्क्रीन पर, पूरा स्क्रीन का अंदर रेड कलर देखा जाएगा, तो रेड कलर देखेगा तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि पिक्चर ट्यूब के अंदर रेड कलर है, और पूरा पिक्चर का साथ रेड कलर मिसिंग हो सकता है। उसका बाद क्या करना पड़ेगा, ये G2 का पिन है, और G2 पिन का बाद जो होता है ये जी कैथोड का पिन है। ठीक है, ये जी कैथोड पिन पर सेम आप इस तरह फ्लैशिंग कीजिए, ठीक है, फ्लैशिंग कीजिए और टच करके छोड़ दीजिए, लॉन्ग टाइम आप मत रखिए। ठीक, तो दोस्तों ये पिन पर इस तरह टच करने के बाद पिक्चर ट्यूब ओके होगा तो उसका अंदर जरूर ग्रीन कलर देखा जाएगा, और ग्रीन कलर नहीं देखा जाएगा तो वो पिक्चर ट्यूब का फॉल्ट है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा आप कौन सा पिक्चर ट्यूब रिपेयर कर सकते हो। क्या होता है इसका अंदर आप अच्छा करके समझ लीजिए, तब आप इस तरह काम कीजिए कि मान लो आप बी कैथोड पर टच किया, बी कलर
ब्लू कलर ओके आ गया, ठीक है। और ये जी पिन पर टच किया, जी कलर ओके दिखा जाता है। और रेड पिन पर अब टच किया, लेकिन रेड कलर दिखा जाता है और बहुत हल्का सा दिखा जाता है। जब हल्का रेड कलर दिखा जाता है तो पिक्चर का साथ अधिक टाइम वो रेड कलर मिसिंग दिखा जाता है। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। मान लो रेड पिन पर टच करने के बाद रेड कलर बहुत हाई दिखा जाता है, ग्रीन पिन पर टच करने के बाद ग्रीन कलर बहुत ही हाई दिखा जाता है, और बी पिन पर टच करने का बाद बी कलर दिखा जाता है लेकिन बहुत हल्का सा ब्लू कलर दिखा जाता है। तो क्या बात है, हल्का कलर जब दिखा जाता है इस तरह टच करने के बाद तो पिक्चर का साथ ब्लू कलर भी मिसिंग हो सकता है, ये आपको दिमाग में पूरा सेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये भी एक पिक्चर ट्यूब का फॉल्ट है। तो इसी तरह प्रॉब्लम को आप रिपेयर कर सकते हो। ये जो मैं एक चार्जर मशीन बनाया, यह से आप वो प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये चार्जर के बारे में मैं किस तरह बनाया, इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, आप खुद ही बना सकते हो। आप इसके ऊपर मैं डिटेल्स एक वीडियो बना के रखा है, ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देगा, और ये वीडियो का लास्ट में स्क्रीन का ऊपर ही मैं वीडियो दे देगा। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो, वीडियो का ऊपर जो आई बटन है, ये आई बटन का अंदर मैं ये वीडियो दे देता हूँ, आप क्लिक करके देख सकते हो। ये तो हो गया एक बात। और दोस्तों और एक बात, ये चार्जर आप बहुत कुछ प्रॉब्लम रिपेयर कर सकते हो चार्जर लेके। कौन कौन प्रॉब्लम आप रिपेयर कर सकते हो, मान लो न्यू पीसीबी आप लगाया, मान लो आपका पीसीबी ओके है, अलग पिक्चर ट्यूब पर ओके चलता है, तो जिस पिक्चर ट्यूब के अंदर लाइट बहुत कम है वो लाइट रिपेयर करने के लिए, ओके पिक्चर क्वालिटी पाने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। मान लो पिक्चर ट्यूब के अंदर जो पिक्चर का क्वालिटी वो निगेटिव जैसा है, ठीक है, भूतुरे जैसा लगता है, इस तरह प्रॉब्लम जब आएगा तो वो भी आप रिपेयर कर सकते हो। और दोस्तों क्या बात होगा, धुआं धुआं जो जिस तरह पिक्चर आता है, ठीक है, तो वो भी आप रिपेयर कर सकते हो ये पिक्चर ट्यूब चार्जर मशीन से। आप स्मॉल नेक बेस यूज़ करके स्मॉल नेक पिक्चर ट्यूब को चार्ज कर सकते हो, बिग नेक वाला बेस होगा तो बिग नेक पिक्चर ट्यूब को भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है। और आप सोनी पिक्चर ट्यूब चार्ज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन सोनी का जो बेस है वो बेस के अंदर यह से अलग अलग वायर कनेक्ट करके भी आप कर सकते हो। तो इसका कनेक्शन किस तरह मैं किया, सभी मैं डिटेल्स वीडियो बना के रखा है, ये चार्जर बनाने का जो वीडियो मैं बनाया। तो दोस्तों चलिए, कौन कौन पिक्चर ट्यूब आप रिपेयर नहीं कर पाओगे ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये चार्जर से रिपेयर करने का पहले। मान लो आपको जो बताया, ये बी पिन पर टच करने के बाद ब्लू कलर हल्का दिखा जाता है लेकिन पिक्चर के साथ ब्लू कलर नहीं है, आप ये रिपेयर कर सकते हो। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बी पिन पर इस तरह फ्लैशिंग करने के बाद और टच करने के बाद कुछ भी ब्लू कलर स्क्रीन पर नहीं दिखा जाएगा तो वो पिक्चर ट्यूब रिपेयर नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अपना है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो दोस्तों एक बात तो मैं भूले गया, आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए बिग नेक वाला बेस होगा तो ये ओवल और अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब का पीछे साइड का ये ड्राइंग मैं करके रखा है, ये जो बेस बोर्ड का पीछे साइड है इस तरह, ठीक है, कि इसका ये पिन ओपन होगा और इसका बी कैथोड पिन ये होता है, ठीक है, इस तरह इसका आर कैथोड पिन ये होता है और जी कैथोड का पिन ये होता है। मेनली आपको कैथोड पिन को आइडेंटिफाई करना होगा, जिस तरह मैं पीसीबी लेके आपको दिखाया, आपको कैथोड पिन पर टच करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बिग मॉनिटर होगा तो ये सेमी टाइप है, इस तरह सेमी टाइप है, इसका देखिए बी कैथोड का पिन है, ये आर कैथोड का पिन है और ये जी कैथोड का पिन है। तो दोस्तों जी वन ये अलग सा, ये नेगेटिव है, ठीक है। और स्मॉल नेक वाला बेस होगा तो इसका जी कैथोड का पिन ये है, ठीक है, और आर कैथोड का पिन ये पॉइंट है और इसका बी कैथोड का पिन ये है, ठीक है, इस तरह। तो ये जो पिन फंक्शन भी आपको देखा है, मेनली आपको आरजीबी पिन, तीनों कैथोड पिन को आपको मेनली आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई करने के बाद जो बेस होगा, बेस का जो नेगेटिव होता है, ये जो नेगेटिव, ये मेन पीसीबी का भी नेगेटिव है, नेगेटिव पर आपको एक वायर कनेक्शन करना पड़ेगा। वायर कनेक्शन करने के बाद, ठीक है, आपको एक एक पिन पर, मान लो ये बी कैथोड पिन है, यहाँ पर आपको टच करके देखना होगा, ठीक है। ये पिक्चर ट्यूब पर पूरा पीसीबी को कनेक्शन करने के बाद ये आपको करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।